बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीओ टू मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर होते हैं, सीओ टू के बच्चों शेप क्या होती है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीओ टू मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे सीओ टू के अंदर कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर होते हैं। अब बच्चों अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने ना, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, तीन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम आइडेंटिफाई करना है। अब सेंट्रल एटम आपका कौन सा होता है बच्चों, जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होते हैं आपके सेंट्रल एटम। तो आप देख सकते हैं CO2 के अंदर कार्बन सिर्फ एक है, तो कार्बन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, और जिस एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होते हैं आपका बॉन्डेड एटम। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका बॉन्डेड एटम हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, इन्हें आराम से लिख लेना, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल देखो कितना इजी है, डरना कुछ नहीं। इसमें एक कार्बन यहाँ, एक ऑक्सीजन ऐसे लिख लिया, एक ऑक्सीजन ऐसे लिख लिया। कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, इसे आपने सेंटर में लिख लिया। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, बॉन्डेड एटम और सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। तो पहले हम कार्बन के फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्बन का एटम नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2.4। इसकी के सेल, इसकी एल सेल, इसकी बाहर वाली सेल है भाई, और बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यानी कार्बन की बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ऑक्सीजन के पास फाइंड आउट करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2.6। इसकी के सेल, इसकी एल सेल, इसकी बाहर वाली सेल होगी, तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ड्रॉ कर लो डॉट किया क्रॉस के फॉर्म में। तो कार्बन की बार बार सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 ऐसे ही 3 4। ऑक्सीजन की बार बार सेल में कितने 6, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होंगे बार बार सेल, ये बहे तो दोनों ऑक्सीजन, और इसके पास भी 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं कर रहा हूँ बस ऐसे आपको करते चलना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, कोवेलेंसी। अभी कोवेलेंसी क्या चीज़ है बच्चे, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाए वो इसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन की बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बार वाली सेल में 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई, इसके पास 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा सिर्फ ये, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कोवेलेंसी होगी 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाएगा, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, तो इसके अपने हो गए एक इधर शेयर किया, एक और शेयर किया। अब आप चेक कर सकते हो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अपने हो गए 7 8, क्योंकि जो चीज़ शेयरिंग में जाती है उसे दोनों अपना मान के चलते हैं। भाई शेयरिंग का मतलब ये तो होता है, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, पूरे ऐसे वाला ऑक्सीजन भी शेयर कर लेगा इधर से 1 2। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो अपने हो गए 7 8, ये भी स्टेबल, और कार्बन भी स्टेबल हो गया। आप कार्बन को भी देख सकते हो भाई, कार्बन के पास कितने हो गए 1 2 3 4, ये तो अपने हो गए इसके 5 6 7 8, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे सब स्टेबल हो गए। इसे अब आप कैसा बना सकते हो भाई, देखो ध्यान से, कार्बन का डबल बॉन्ड इधर ऐसे, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो डबल बनता है, तो यहाँ पर डबल ऐसे बन गया। अब जो इलेक्ट्रॉन के पास बचे, इसके पास 2 पेयर बचने, 1 2, इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर बच गए, इसके पास भी 2 पेयर बच गए, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर। जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो भी देखेंगे, सब कुछ समझेंगे आज वीडियो के अंदर। तो बॉन्ड पेयर आपके होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ बच्चे जो नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, आप देख सकते हो कौन कौन से पेयर इलेक्ट्रॉन के जो किस मारे बॉन्डिंग मारे, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर हो गया 2 3 4, यानी 3 4, तो बच्चे यहाँ पे नॉर्मली 4 बॉन्ड पेयर मान के चलते हैं। आपकी गलती कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही बैठ रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान समझ लेना। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे सिर्फ एक बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुन लो अच्छे से, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, उसे सिर्फ एक बॉन्ड पेयर मान के चलते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर नहीं मानने, यानी आपका डबल बॉन्ड है तो इसे सिंगल मान लो गया, तो एक बॉन्ड पेयर आपका सिर्फ ये हो गया, और एक बॉन्ड पेयर सिर्फ आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आपके टोटल यानी CO2 के अंदर जो टोटल बॉन्ड पेयर वो सिर्फ आपके 2 होंगे, समझिए बात को। इसके बाद आगे बढ़ो, अब लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट होंगे, लोन पेयर होते क्या, तो लोन पेयर आपके क्या होते हैं बच्चों, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना करे। तो ऐसे यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो कार्बन के पास तो एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में ना आ रहा हो, सारे यूज हो गए कार्बन के। तो ऑक्सीजन के पास देखो, इस ऑक्सीजन के पास एक पेयर ही रहा जो बिल्कुल ठाली है, कुछ नहीं कर रहा है, यानी पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे इसके पास 1 2, तो टोटल यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे, 1 2, यानी 1 2 3 4, तो टोटल लोन पेयर होते हैं बच्चों CO2 के अंदर 4।
और टोटल बॉन्ड पेयर हो गया आपके दो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ये ज्यादातर यूज नहीं करते हम, यूज करते हैं सेंट्रल एटम के पास कितने, तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन। अब देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर, क्योंकि जब हाइब्रिडेशन और शेप देखेंगे ना तो सिर्फ हम सेंट्रल एटम के पास देखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कार्बन के पास यहाँ पे भाई दो बॉन्ड पेयर है भाई, कार्बन देखो एक इधर बना रखा है बॉन्ड पेयर, ये पूरा बना पूरा बनना आपका एक इधर, तो कार्बन के पास यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है कार्बन के लिए बात करें सिर्फ। और कार्बन के पास लोन पेयर देखो कितने हैं, यानी पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहा हो, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके पास, चार से चार चार यूज हो गए, तो लोन पेयर इसके पास जीरो। तो आज आपके साइड आउट क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ तक नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों CO2 की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो इसकी शेप होती है लीनियर शेप। लीनियर शेप आपकी कैसे होती है, इस तरह की आपकी लीनियर शेप होगी, सारे के सारे आइटम आपको एक लाइन में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है यानी बॉन्ड से बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया था चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जब हम मॉलिक्यूल की शेप देखते हैं तो हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसे हम ऐसा बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड से बॉन्ड के बीच का कितना होगा 180 डिग्री होगा, इतना ईजी था। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होती है किसकी, कार्बन की। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडेशन होती है सिर्फ किसकी होती है, सेंट्रल एटम की होती है। बहुत से बच्चों को तो ये नहीं बात पता रहती, तो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं कैलकुलेट करना है स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर आपका इक्वल होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के। अब हमें किसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है, कार्बन की, तो सिर्फ हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी किसके देखने, सेंट्रल एटम के देखने। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर थे, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर थे, और लोन पेयर कितने थे, जीरो, मैंने इसलिए तो बताया था आपको वहाँ पे। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे दो और लोन पेयर जीरो, तो स्टेरिक नंबर पर कितना जाएगा, स्टेरिक नंबर आपका निकल गया जाएगा दो। अब इन्हें आप उठा क्या कर दो, बस आपको पता है जो आपका एस सब सेल होता है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में आपके तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन, स्टेरिक नंबर उठा के यहाँ पे फिल कर दो एक दो। अब देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल यूज हुए, एक एस यूज हुआ सिर्फ और एक पी यूज हुआ, तो यानी यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडेशन वो क्या होती है sp। आपको ध्यान रखनी है CO2 के अंदर कार्बन आइटम की जो हाइब्रिडेशन होती है वो क्या होती है sp खाली, ठीक है। तो ये प्रो कॉन्सेप्ट था, अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।